हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द ड्रोन पॉलिसी 2.0। सेकंड ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट लॉन्च किया गया था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन गाइस, सम पीपल आस्क्ड मी दैट व्हाई आर वी डूइंग द स्कीम्स दैट वाज लॉन्च इन द ईयर 2019, व्हाई आर वी डूइंग ओल्ड स्कीम्स। सो गाइस, लेट मी टेल यू दिस दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट क्वेश्चन कम फ्रॉम द रीसेंट स्कीम ओनली, बिकॉज ऐसे कई बार ऐसा अक्सर देखा गया है इन द एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एंड आरबीआई ग्रेड बी कि पुरानी स्कीम्स के बारे में भी पूछा गया है। इनफैक्ट एक बार आरबीआई ग्रेड बी मेंस में जवाहर रोजगार योजना के बारे में भी पूछा गया था, दैट वॉज लॉन्च इन द लेट 80s। ऑलराइट, सो हमें ये जरूरी नहीं है कि रीसेंट स्कीम से ही क्वेश्चन आएगा। ऑलराइट, सो हमें पुरानी स्कीम्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ओके, so now let's begin with drone policy 2.0. so in the month of january 2019, ministry of civil aviation headed by mr hardeep singh puri, right, hardeep singh puri is the minister of civil aviation, had released the draft of drone policy 2.0, jiska ek aur naam hai civil aviation regulations 2.0, aur jo drone policy 1.0 thi that was launched in the year 2018. now what is a drone? drone hota kya hai? सो बेसिकली ड्रोन इज नथिंग बट एन अनमैंड एयरक्राफ्ट। ऑलराइट, एक अनमैंड एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो हमारा अनमैंड एयरक्राफ्ट होता है उसके तीन सबसेट्स होते हैं। ऑलराइट, देयर आर थ्री सबसेट्स ऑफ द अनमैंड एयरक्राफ्ट। नंबर वन इज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। ऑलराइट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, इसमें क्या होता है कि जो ड्रोन होता है उसको एक पर्सन कंट्रोल कर रहा होता है जो कि उसके अंदर नहीं बैठा है। ऑलराइट, मतलब पायलट कहीं दूर से उस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है, उस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा होता है ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट। व्हाट इज ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट? ये बिल्कुल ऑटोनॉमस होता है और इसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी भी कंट्रोलर की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही अपने आप टेक ऑफ करता है और खुद ही लैंड करता है। ऑलराइट, एंड तीसरा होता है मॉडल एयरक्राफ्ट, जो कि एक छोटा फॉर्म ऑफ ड्रोन होता है। ऑलराइट, ड्रोन का एक छोटा फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल एयरक्राफ्ट। सो आई होप ये तीनों का जो आपको डिफरेंस है वो क्लियर है। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में क्या होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन जो कि दूर है उससे, उसके अंदर नहीं बैठा हुआ। ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट खुद ही लैंड करता है, खुद ही टेक ऑफ करता है। एंड मॉडल एयरक्राफ्ट इज बेसिकली अ स्मॉल फॉर्म ऑफ अ सिंपल टाइप ऑफ ड्रोन। ऑलराइट, एंड एयरक्राफ्ट और उससे एसोसिएटेड एलिमेंट्स को हम मिला के क्या बोलते हैं, अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। एंड एयरक्राफ्ट एंड इट्स एसोसिएटेड एलिमेंट्स विच आर ऑपरेटेड विद नो पायलट ऑन बोर्ड इज नोन एज अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। राइट, एंड नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पॉलिसी गाइस? सो जो अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम का जो मार्केट है इंडिया में, दैट इज प्रोजेक्टेड टू टच $886 मिलियन बाय 2021। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट है, दैट इज लाइकली टू टच $24.17 बिलियन। राइट, सो इन ऑर्डर टू टैप दिस अपॉर्चुनिटी, India must regularly guide technology standards and upgrade its policy framework accordingly. क्योंकि अब ये opportunity in future आने वाली है, mostly चीजें drone द्वारा करवाई जा सकेंगी। और आजकल के lockdown के period में हमने देखा कि कई देशों में drone का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया गया for the delivery of essentials. Alright, so drone का जो use है वो in future काफी importance रखने वाला है। And now what is the objective of this drone policy 2.0? सो टू एंश्योर हाई एंड यूनिफॉर्म लेवल ऑफ सेफ्टी फॉर यूएस ऑपरेशन, जो यूएस ऑपरेशन है उनकी सेफ्टी को एंश्योर करना, टू फॉस्टर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉम्पिटिशन एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू क्रिटिकल एंड हाई रिस्क प्रॉब्लम। जैसा कि हमने लॉकडाउन में देखा था, अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता ऑफ द ड्रोन तो हमें शायद एसेंशियल्स को यहां से वहां पहुंचाने में इतनी समस्या नहीं होती। राइट, so to provide alternative solutions to critical and high risk problems, to attract technology advancements and investments both domestic and foreign, kyunki agar hamare yahan pe infrastructure banna start hoga to obviously technology ki zarurat padegi aur uske liye investment bhi chahiye hoga, to domestic aur foreign dono hi technology advancement aur investment ko attract karega ye drone policy 2.0. right, so these were the objectives. now let's move on to the key recommendations of the policy 2.0. So, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन लिमिट की। सो ये जो हमारा ड्रोन पॉलिसी सेकंड था, इसने रिकमेंड किया था टू एक्सपैंड ऑपरेशंस बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट। ऑलराइट, विजुअल लाइन ऑफ साइट से आगे भी ऑपरेशंस को बढ़ाना है। एंड जो हमारी करंट लिमिट है ऑफ द 400 फीट, यानी कि ड्रोन को अभी हम 400 फीट से ऊपर नहीं उड़ा सकते थे जनवरी 2019 तक, उस लिमिट को भी इंक्रीज करना है।
So under the drone policy 1.0, drones operations are restricted to within vision line of sight and to a limit of 400 feet above the ground level, right? और इस चीज को बढ़ाने की बात की गई थी इन द ड्रोन पॉलिसी 2.0 एंड इट ऑल्सो मैंडेट्स प्रिवेसी बाय डिजाइन, मतलब कि जो डिजाइन होगा उसको उसकी प्रिवेसी को मेंटेन किया जाएगा, बट ड्रोन पॉलिसी 1.0 में ऐसा कोई भी प्रिवेसी स्टैंडर्ड नहीं सेटअप किया गया था. एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ ड्रोन कॉरिडोर्स, ऑलराइट, ड्रोन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जो कि ड्रोन्स के लिए जो एयर स्पेस होगा उसको डिस्टिंग्विश करेगा फ्रॉम द एयर स्पेस ऑफ मैंड एयरक्राफ्ट, ऑलराइट. So it provides for creating drone corridors which will distinguish airspace for flying drones from the airspace in which manned aircrafts operate. और जिसमें normal flights उड़ती हैं जिस airspace में, उस airspace को दूसरे हमारा जो drone के airspace होगा उससे distinguish करने के लिए drone corridors बनाए जाएंगे. Now it now permits the autonomous operations. और like autonomous जो हमने पढ़ा था तीन तरीके के subsets of the UAV. तो उसके ऑटोनॉमस वाला जो एयरक्राफ्ट है उसको भी अब परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ऑलराइट. इसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन जो ड्रोन पॉलिसी 1.0 थी उसमें केवल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पायलटेड फ्रॉम अ रिमोट पायलट स्टेशन, मतलब कि जो एक ऐसा यूएवी इसमें उड़ा सकते थे हम जिसमें पायलट जो उसको है पायलट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है फ्रॉम अ रिमोट स्टेशन, ऑलराइट. बट नाउ ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट को भी मंजूरी दे दी गई है इन द ड्राफ्ट पॉलिसी, इन द ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी 2.0, राइट. एंड नाउ इट ऑल्सो प्रपोजेस टू क्रिएट अ ड्रोन्स डायरेक्टरेट अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर डीलिंग विद द रेगुलरिटीज पर्टेनिंग टू ड्रोन्स. इसके अलावा ड्रोन पोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि वहां से लैंडिंग और टेक ऑफ कराई जा सके ऑफ द यूएवीज. इट विल प्रोवाइड इट हैज प्रोवाइडेड टू क्रिएट ड्रोन पोर्ट्स फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द यूएवीज. Now let's talk about the commercialization. इसका जो commercialization है उसपे पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा. So this policy is geared at exploiting the commercial potential of drones, especially with respect to transport of temperature sensitive commodities like bodily organs, emergency or just in time deliveries of life saving drugs or safe blood for transfusions and collection of patient specimens for delivery for time sensitive testing in laboratories. Alright, so इन सभी चीजों के लिए जो ड्रोन है उसके कमर्शियलाइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा, उसके कमर्शियल पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा बाय दिस पॉलिसी, राइट. और जो ड्रोन पॉलिसी 1.0 थी, द पोटेंशियल टू एक्सप्लॉइट ड्रोन्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस वाज लिमिटेड इन दैट ड्रोन पॉलिसी 1.0 ड्यू टू द लिमिटेड हाइट टू फ्लाई एंड सिस्टम ऑफ VLOS और विजुअल लाइन ऑफ साइट, राइट. सो ड्रोन पॉलिसी 2.0 में कमर्शियलाइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा पूरी तरीके से. नाउ नेक्स्ट इज, इसके अंदर 100% FDI को अप्रूवल मिल गई है अंडर द ऑटोमेटिक रूट, राइट. ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को अप्रूवल दे दिया गया है इन UAVs एंड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम बेस्ड कमर्शियल सिविल एविएशन सर्विसेज, राइट. बेसिकली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स में 100% FDI को मंजूरी मिल गई है अंडर द ऑटोमेटिक रूट. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन जो ड्रोन पॉलिसी 1.0 था वहां पे किसी भी FDI की बात नहीं की गई थी. एंड नेक्स्ट, इट हैज प्रपोज्ड टू प्रिस्क्राइब अ मैक्सिमम लाइफ साइकिल फॉर ईच ड्रोन टाइप एंड ऑपरेटर्स मस्ट अप्लाई फॉर रीसर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ अ ड्रोन्स लाइफ साइकिल. दिस इज ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मेंटेनेंस अंडर ड्रोन पॉलिसी 1.0. ऑलराइट गाइस, एंड नेक्स्ट इज, it provides for digital sky service providers. All right, so this policy introduces new players in the digital sky ecosystem jinka naam hai digital sky service providers or DSPs, and they can be public or private agencies registered in India, and they will provide services to the US operators. jo US operators hai unko service provide karane ke liye digital sky service providers will be there. And next is about insurance. So considering the increased exposure due to commercial operations, ये काफी जरूरी हो जाता है for the US operators to have a professional liability insurance to cover the cost of legal fees and damages awarded against such operators. And finally, no permission, no take off. जो regime था no permission, no take off का, वो इस continue में भी, इस policy में भी continue रहेगा to provide security from the unauthorized flights. Alright, जो ड्रोन पॉलिसी 1.0 थी उसमें भी ये पॉलिसी थी ऑफ नो परमिशन ऑफ एंड नो टेक ऑफ
बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी ड्रोन यूज नहीं कर सकता, उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाएगा टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम द अनऑथराइज फ्लाइट्स। राइट गाइस, सो दिस इज अबाउट द ड्रोन पॉलिसी 2.0। आई होप आपको सारे प्रोविजंस इसके क्लियर हैं, देयर इज नो डाउट। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन। सो व्हेन वाज द ड्रोन 2.0 पॉलिसी ड्राफ्ट रिलीज्ड टू रियलाइज द ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ द इंडियन यूएस मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पब्लिक एंड सोसाइटल वेलफेयर एंड जॉब क्रिएशन। सो गाइज, दिस पॉलिसी वॉज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019। सो ऑप्शन ए जनवरी 2019 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द फ्लाइंग लिमिट ऑफ अ ड्रोन अकॉर्डिंग टू ड्रोन पॉलिसी 1.0 एंड ड्रोन पॉलिसी ड्राफ्ट 2.0। सो ऑप्शन ए इज ड्रोन पॉलिसी 1.0 रेस्ट्रिक्ट द ड्रोन फ्लाइंग टू अ लिमिट ऑफ 600 feet। नो गाइज, दिस वॉज नॉट 600 feet, दिस वॉज 400 feet। ऑलराइट, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी 2.0 रिकमेंड्स एक्सपेंडिंग ऑपरेशन टू BVLOS। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट से ज्यादा जो हमारी ऑपरेशन है उसको एक्सपेंड किया जाएगा अंडर द ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी 2.0। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी 2.0 रिकमेंड्स एक्सपेंडिंग ऑपरेशन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 600 feet। नो, नॉट 600 feet, दिस इज 400 feet। सो अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन डी। Under the drone policy 1.0, drones operations are restricted to within VLOS. Yes, this is absolutely correct. So therefore, guys, the correct answer to this question will be what? Option E, A and C. Now, question number 3. Enabling foreign investments and level playing field for domestic and international players, how much FDI is permitted in the drone policy 2.0 draft? Kitna FDI परमिट किया गया है? सो गाइज, ये बात आप याद रखेंगे कि जो ड्रोन पॉलिसी 1.0 थी इसमें FDI का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। सबसे पहली बार FDI का जिक्र इन द ड्रोन सेक्टर सबसे पहली बार जिक्र किया गया था इन द ड्रोन पॉलिसी 2.0। और कितना FDI प्रोवाइड कराया गया है? 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट। राइट, 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन द ड्रोन पॉलिसी 2.0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which of the following is not one of the objectives of the drone policy 2.0? इनमें से क्या drone policy 2.0 का objective नहीं है? So option A is enabling advanced infrastructure and governance capabilities. Yes, this is absolutely correct. Enabling research and development supporting technological innovations. Yes, correct. Enabling foreign investments and level playing field. Yes, this is again absolutely correct. Enabling the digital sky framework to dedicate dynamically segregated airspace. Yes, this is absolutely correct. So guys, the correct answer must be what? Option E. But ek baar read kar lete hain. Enabling autocratic operations without compromising safety, security or privacy of citizens. No guys, this is not there. So therefore, the correct answer to this question is what? Option E will be the correct answer. Alright. So guys, this was about the drone policy 2.0 and milte hain next week do naye bahut hi behtareen schemes ke saath. Alright. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.